कि हर बार आग लग जाती है इन पहाड़ों में इस गर्मी के मौसम में। ये उमर सिर्फ 300 रुपये का ऑर्डर था, ठीक है। थर्ड फ्लोर पे मैं ऑर्डर डिलीवर करने आया, नॉट ईजी स्विगी डिलीवरी बॉय, यहाँ पे भी 3 मंजिल चलना पड़ा। ऐसे भी कस्टमर मिलते हैं एक रुपया खा जाते हैं, देते नहीं, खा जाते हैं। और पुरोहित कैफे है जिसके यहाँ पे भीड़ पड़ती है, और ये भी बढ़िया है। Selling fan blowing cold breeze on your body. I can't tell you really what it is, but you. सिर्फ 300 रुपये का ऑर्डर था, ठीक है। 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, और ये थर्ड फ्लोर पे मैं ऑर्डर डिलीवर करने आया। थर्ड फ्लोर पे वो भी लिफ्ट नहीं है, सीढ़ियाँ चढ़ के, तो मतलब कि फालतू की मेहनत कितनी हो जाती थी वो। नॉट ईजी स्विगी डिलीवरी बॉय। तो यहाँ पर भी सीढ़ियाँ नहीं है, यहाँ पर भी 3 मंजिल चलना पड़ा। तो भी लग्जरी प्लस में एक कस्टमर मिले, उनके पास 1 रुपये चेंज नहीं था। अब ऐसे कस्टमर भी हैं 1 रुपये चेंज नहीं है, वो तो मुझे तो फिलअप करनी ही है 133 रुपीज़, लेकिन इन्होंने 132 रुपये दी, वो नहीं 10 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं। ऐसे भी कस्टमर मिलते हैं एक एक रुपया खा जाते हैं, देते नहीं, खा जाते हैं। देख रहे हो आप शिव शक्ति फास्ट फूड, ठीक है। ये इनकी सेकंड ब्रांच है, फर्स्ट इन्होंने ये शॉप से शुरू किया, और ये दुकान सिर्फ और सिर्फ व्यवहार से चलती है। ये राजू भैया होंगे अंदर, ये है राजू भैया, राजेश भैया, राजू भैया क्या, राजेश भैया। पूरा ऑर्डर की वाट लग गई, और छाछ झूल रही है। एक ऑर्डर ले गया, ये इतनी बेकार पैकेजिंग होती है, लोकल रेस्टोरेंट से कभी खाना ऑर्डर नहीं करना चाहिए, सारे बेड बजाते हैं। हर बार आग लग जाती है इन पहाड़ों में इस गर्मी के मौसम में। ये उमड़ा में लग गई है आग, और मतलब पूरे लगभग ये शाम को लगती है, दिन को आग नहीं लगती। तो ये अभी लग गई जलते हैं। ये हमारा राइडर क्या कह रहा है, गोल्ड के मंगरे, ये आग लग रही ना, जो क्या कह रहा है गोल्ड के मंगरे। ये दूसरी जगह लग रही है, अब एक तो वो लग रही है, और एक दूसरे शॉट में यहाँ पर लग रही है। 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, और इस खेल चौधरी की कंपनी ने 94 रुपये दी, जो कि इतना बेकार लग रहा है मेरे को। मतलब इतना ट्रैवल करके आया हूँ, वापस रिटर्न खाली जाना है, कितना 11 किलोमीटर रिटर्न खाली जाना, और 15 और 11 16 6 26 किलोमीटर 26 किलोमीटर का ट्रैवल में 94 रुपये, इसलिए गुस्सा आता है अब इस कंपनी में। शुरू में जब इसके अंदर जॉब की तो बहुत बढ़िया पेआउट था, लॉन्ग डिस्टेंस के ऑर्डर नहीं थे, और थे ही नहीं तो वो इशू थे ना, अब बढ़ा दिया तो पेमेंट नहीं दिया, तो ऐसे लोड़े लग रहे हैं कभी कभी। अब बस टाइम निकाल रहे हैं, अब वो सेविंग भी नहीं होती, वो अर्निंग भी नहीं होती स्विगी के अंदर। ला पिनोज का ऑर्डर लग गया यार, बॉस मेरे को ये तो बताओ ये ला पिनोज का मतलब क्या होता है। और ये अभी ऑर्डर जा रहा है वापस उमड़ा, अभी यही दे के आया हूँ, और वापस वही 15 किलोमीटर का ऑर्डर लगा, 15 किलोमीटर पहले देखा है, 15 किलोमीटर अभी ऑलमोस्ट मैं इन 2 ऑर्डर में 50 किलोमीटर ट्रैवल कर जाऊँगा, 50 किलोमीटर। अबे इनके कौन मर गया कुत्ते चिल्ला रहे, अभी चुप हो गया अचानक से, क्योंकि मैंने गाड़ी रोक दी इसलिए चुप हो गया, बाकी इतने चिल्ला रहे थे अभी। अभी आपके भाई का टारगेट हो गया 535, मतलब 333 इंसेंटिव आ जाएगा आपने, ठीक है। लेकिन आज घोड़े इतने खतरनाक उड़े, क्योंकि मल्टी ऑर्डर लग रहे थे, और स्टार्टिंग में छोटे छोटे ऑर्डर लगे, तो दिमाग होगा थोड़ा ख़राब, क्योंकि स्टार्टिंग से पता चल जाता है कि ओवरऑल फाइल क्या होने वाली। लेकिन फिर 2-3 बड़े ऑर्डर लगे, 94 93, देन मैंने उसके बाद गाड़ी खींची, देन उसके बाद गाड़ी खींची और टारगेट हो गया तो फिर। लेकिन 1 बज गई, 1 क्यों बजी, क्योंकि हमारे मित्र आए थे एक पुराने, इनको हम अपनी भाषा में गार्ड साहब कहते हैं, एक्चुअली गार्ड साहब का मतलब होता है सिक्योरिटी गार्ड तो उनके साथ थोड़ी बातचीत करने लगे, तो 20-25 मिनट वहाँ हमने इन्वेस्ट कर दिए, और फिर वो डिले हो गया। बाकी में 12:30 निपट जाता, 12:30 फिर भी घर जाते 1 बज जाते, लेकिन तो 1 बज गई अभी, और अभी जाऊँगा, 20 मिनट लगेंगे, तो ये टाइम हो गया। गुड नाइट।